Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? संडे स्मैश मेरा भाई. मैं आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांच पूर्वक रहने वाला है. बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आप सभी लोगों के लिए. तो भैया ध्यान से देखिए और एपिसोड पसंद है तो लाइक कर दीजिए. पहली खबर, अक्षय कुमार. द स्पेसिंग बिटवीन द रिलीज ऑफ योर फिल्म्स इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट. ये बात अक्षय कुमार ने समझ ली, इसी का कारण है बहुत महीनों तक अपनी फिल्मों को वो अब थिएटर में न रिलीज करते हुए डायरेक्टली ईद 2024 में यहाँ पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो है 12 अप्रैल को आप सभी लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं. लेकिन उसके बाद अक्षय कुमार का जो कैलेंडर है वो यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है. अब सभी लोगों को पता है हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी उसकी अगली फिल्म यानी कि सरफिरा जो है उसका यहाँ पर एक ग्लिम्स रिलीज किया, जहां पर 12 जुलाई 2024 का डेट जो है मेंशन किया गया था. एंड गाइस, उस फिल्म के बाद जो अगली फिल्म आने वाली अक्षय कुमार की जो डेट अनाउंस कर दी गई है वो है यहाँ पर गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को उनकी फिल्म जिसका नाम है स्काई फोर्स. देखिए गाइस, हमने हाल ही में डिस्कस किया किस तरह से अक्षय कुमार अपनी एक फिल्म है मुदस्सर अजीज, जिसमें फरदीन खान है, जिसमें वानी कपूर है, जिसमें भूमि पेडनेकर है, जिसका नाम है खेल खेल में, उसकी शूटिंग के लिए गए थे. उसके शेड्यूल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर दी थी. एंड अब गाइज अक्षय कुमार की एक और फिल्म है जिसकी शूटिंग यहाँ पर चल रही है. तो भैया मैंने कहा था ना आपको कि अक्षय कुमार को खुद को नहीं मालूम भाई उनकी फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ चल रही है. तो यस, द फिल्म इन क्वेश्चन हियर इज नन अदर देन स्काई फोर्स. स्काई फोर्स में अक्षय कुमार है लीड रोल में. यहाँ पर नया लड़का है, इसका नाम है वीर पहरिया. जियो स्टूडियोज की फिल्म है, दिनेश विजन की फिल्म है. एंड गाइज, ये फिल्म गांधी जयंती के अवसर पर जो है रिलीज हो रही है. तो बहुत बड़ा आउटडोर स्केड्यूल जो है इस फिल्म का यहाँ पर शूट हो रहा है. गाइज यहाँ पर अमर कौशिक, संदीप केवलानी आर हेडिंग यू नो दिस फिल्म. लेट्स सी किस तरह से फिल्म हमारे सामने बनकर आती है. एंड इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि गाइस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिस पर ये फिल्म बनने वाली है. तो आफ्टर खेल खेल में स्काई फोर्स भी एक और फिल्म है अक्षय कुमार की जिसकी शूटिंग जो है फिलहाल चल रही है. क्यों थक रहे हो? हाँ, शूटिंग के साथ साथ अक्षय कुमार इज अ मल्टीटास्किंग मैन. और जितने लखनऊ वाले हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं. लखनऊ इज गोना सी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज इन रिसेंट टाइम. एंड गाइस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लॉक टावर मैदान की. बहुत ही मशहूर है, जब भी आप लखनऊ जाओ तो जो प्लेसेस टू विजिट है उसमें ये पहले लिस्ट पर रहनी चाहिए आपके. हुसैनाबाद में है गाइस यहाँ पर. एंड 26 तारीख को यानी कि ये मंडे को 3 बजे लखनऊ शहर में होने वाला है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ एक्शन ट्रिल एंड अनोखा एक्सपीरियंस. तो गाइज यहाँ पर बड़े में छोटे में जो टीम है वो बहुत अच्छा प्रमोशनल स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर डिवाइस किया उन्होंने. क्योंकि गाइज घर बैठकर प्रमोशन नहीं होता, ये सोच के कि मेरी फिल्म का बज इतना बड़ा है कि 90% ऑफ इंडियंस विल सी माई फिल्म इफ आई डोंट प्रमोट इट, ये सब नहीं होता मेरा भाई. यू नीड टू गो ऑन द ग्राउंड लेवल. एंड सिर्फ मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, बैंगलोर चले गए, नहीं, यू नीड टू गो एवरीवेयर. एंड लखनऊ का प्रमोशन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा प्लान किया है. लखनऊ में आ रहा हूं अपने छोटे के साथ, मिलते हैं मंडे को. अक्षय कुमार प्रमोटिंग बड़े मियाँ छोटे मियाँ लाइक एनीथिंग. तो गाइस काफी एक्साइटिंग, जितने भी लखनऊ वाले हैं भैया पहुंच जाइए क्लॉक टावर और मिल लीजिए टाइगर और अक्षय से, तो काफी अच्छा है. लेकिन जब आपके फिल्म का डायरेक्टर अली अब्बा जफर हो तो भैया ये तीसरी खबर हो जाती है. जोक्स अपार्ट, अली अब्बा जफर एज अ डायरेक्टर इज अ वेरी बिग यू नो बून फॉर द फिल्म. इसमें पीआर मार्केटिंग किसी की जरूरत नहीं पड़ती. अली खुद अपनी शूटिंग के पिक्स अपलोड करता है, अली खुद ही अनाउंसमेंट करता है कि कब क्या आने वाला है. एंड आज सुबह सुबह फैंस की एक्साइटमेंट अली अब्बास ने एकदम बढ़ा दी है. विशाल मिश्रा का सीजन चल रहा है, उनके जितने गाने आ रहे हैं वो तोड़ रहे, चार्ट बस्टर्स बन रहे, एक से एक गाना बना रहे विशाल मिश्रा. लेकिन भैया अगर विशाल और अरिजीत आ जाए तो क्या क्या आनंद होगा भाई. हाँ, कम सपना तो नहीं देख रहे थे, सपना नहीं देख रहे हो, ये सच्चाई होने जा रही है. तीसरी खबर भी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की तरफ से आ रही है. बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज पुटिंग ऑल द स्टेप्स फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन. अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, बड़े तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मैंने पहले दिन जब गाना आया था ना तभी बोला था ये गाना क्रैक करेगा. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. आने वाले दिनों में रेज बनने वाला है गाना. एंड इस फिल्म का दूसरा गाना जो है बहुत जल्दी आने वाला है. रेडी फॉर द अरिजीत सिंह एंड विशाल मिश्रा कॉम्बो. विशाल मिश्रा का संगीत, अरिजीत सिंह की आवाज,
कमिंग सून। तो दूसरा गाना जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, वो विशाल मिश्रा एंड अरिजीत सिंह का जो कंपोजिशन है, यहां से आने वाला है। तो ह्यूज स्टफ कमिंग इन, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन भैया अटली कुमार हॉलीवुड जा रहे हैं, सुन रहा हूं। तो अगली खबर है नन अदर देन अटली कुमार की। आफ्टर गिविंग वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ आर हिंदी सिनेमा 1,150 करोड़ वर्ल्ड वाइड विदाउट चाइना, अटली कुमार इज गिविंग इंटरव्यूज। एबीपी न्यूज पे उन्होंने एक इंटरव्यू कहा है जहां पे उन्होंने अपने हॉलीवुड फिल्म के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। उन्होंने कहा है कि येस इट्स हैपनिंग। अटली ने कहा है मुझे 8 साल लगा बॉलीवुड पहुंचने के लिए, मे बी इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स आने वाले साल में यू विल सी समथिंग देयर इन हॉलीवुड विथ अ ग्रेट अनाउंसमेंट। एंड अटली में कैपेबिलिटी है, उसने एक बहुत ही बाप लेवल की फिल्म पुल ऑफ की है जिसका नाम है जवान, जो कि भैया आज 12 बजे टीवी पर आने वाली है, भाई आई थिंक सी पर आने वाली है। आज ही बॉम्बे टाइम्स में बहुत बड़ा यू नो फ्रंट पेज पोस्टर आया है उसका। तो अटली ने यहाँ पे हॉलीवुड वेंचर जो है वो यहाँ पर अनाउंस यहाँ पे ऑलमोस्ट कर ही दिया है। उन्होंने कहा है आई हैव बीन जेन्युइन टू माय प्रॉमिस, आई हैव केप्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन फ्यूचर इफ आई एवर मेक अ हॉलीवुड फिल्म आई विल डू द सेम। सो गाइस अटली ने यहाँ पर एक हॉलीवुड फिल्म जो है वो बनाने का सबको प्रॉमिस किया। तो भैया जब अटली के नाम आया तो शाहरुख खान का नाम क्यों नहीं आएगा। तो जैसे पठान 2 आएगी आएगी, इसमें को रॉकेट साइंस नहीं लग रहा था, जब पठान 2 आ रही है इसने बॉक्स ऑफिस में जवान से कम पैसे कमाए थे, जवान 2 तो डेफिनेटली आएगी। ये शाहरुख खान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा, ये बात याद रखना। एंड अटली ने कहा है ऑफकोर्स मैं शाहरुख खान का काम करूंगा, मैं एक सब्जेक्ट क्रैक करूंगा जो कि जवान से बड़ा होगा, आई विल क्रैक अ सब्जेक्ट बेटर देन जवान। एंड डेफिनेटली जब मैं वो सब्जेक्ट क्रैक कर लूंगा उसके बाद सबसे पहले मैं शाहरुख खान के पास ही जाऊंगा। इतना ही नहीं मैं उसको नरेट भी करूंगा, अगर उनको पसंद आएगा देन डेफिनेटली मैं वो फिल्म करूंगा। तो एटलीस्ट वन कॉन्फिडेंट डायरेक्टर एटली यहां से यहां आया है। ही हैज सीन हिज हार्ड वर्क, वी हैव सीन हिज हार्ड वर्क, ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड इसीलिए आज अटली कुमार जो है इस मुकाम पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि भैया बेबी जॉन बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है, बेबी जॉन में वरुण धवन कुछ भी करे, उसके जो एक्शन टीम है ना उसने मैड एक्शन स्टंट्स किए है, बस वरुण आराम से खड़े रहिए पिक्चर में, मारामारी कर दीजिए बस। तो फिल्म जो है वो आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल अगली खबर आ रही है विद द टॉक ऑफ द टाउन, योद्धा का जो गाना आया है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इतना मेलोडियस गाना है उसका। अगर आपने रिव्यू नहीं सुना है तो आप लोग जाकर उसका रिव्यू देख सकते हो। लेकिन अब बात करने वाले हम लोग योद्धा के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। बहुत बड़ा ट्रेलर होगा, टीम ने बहुत बड़ा इवेंट जो है प्लान किया ट्रेलर लॉन्च के लिए। अब जब होगा तब सभी लोगों के लिए सामने आ जाएगा। हाईजैक बियॉन्ड बॉर्डर्स द योद्धा ट्रेलर इन 4 डेज। यस फ्रेंड्स, योद्धा ट्रेलर इज कमिंग इन 4 डेज। बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड ट्रेलर है क्योंकि इसके टीजर को बहुत ही बाप लेवल का रिस्पॉन्स मिला था। 25, 26, 27, 28, तो आई थिंक 29th को 4 डेज, मतलब 29 ही हुआ यहाँ पर, 29th ऑफ फेब यानी कि थर्सडे को योद्धा फिल्म का ट्रेलर आप सभी लोगों के लिए सामने आने वाला है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है मेकर्स की कि थर्सडेज को ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि यूजली फ्राइडे आता था। नई फिल्मों के कारणवश यहाँ पर जो ट्रेलर रहते हैं वो यहां पर इग्नोर हो जाते हैं। तो भैया अगर 29th को आ रहा है तो अगली फिल्म 30 को रिलीज होनी चाहिए, है ना? सर फरवरी में 30 नहीं होता है। भूल गए भाई, भूल गए, गलती माफ कर दीजिए भाई, चौनप्राश खाइए, अभी खाइए। रिलैक्स। तो गाइस 1 मार्च को 3 फिल्में हैं। लापता लेडीज है आमिर खान की, होत्री पूरा प्रमोट कर दिया, उसके बाद कागज द्वितीय है एंड तीसरी फिल्म जो है वो दंगे है। तो लेट्स सी वो फिल्म में क्या करती है। ओके गाइस, 100 बज के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो जितनी जानकारी थी, जितनी अपडेट्स थी आपको जाननी चाहिए थी, वो सब मैंने आपको बता दिया। आपका काम क्या है भैया, एपिसोड को लाइक कीजिए। मामन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।